सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरायसिस की और जानेंगे कि कैसे इस बीमारी को कम समय में ही तेजी से खत्म किया जा सकता है। सोरायसिस हमारी त्वचा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि हमारे शरीर में किसी भी जगह पर हो सकती है और एक ही व्यक्ति की बॉडी पर यह एक से अधिक अंगों पर भी फैल सकती है। यह एक समय के साथ साथ बढ़ते जाने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें शुरुआती स्टेज पर ही ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी में लापरवाही बरतने से त्वचा से एक साधारण पपड़ी निकलने वाली समस्या कब एक बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेती है हमें पता भी नहीं चलता, और फिर खुजली के साथ साथ जलन और खून निकलने की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। वैसे तो सोरायसिस छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है, लेकिन कई स्थितियों में यह जेनेटिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी भी होती है। यानी कि अगर आपके परिवार में पहले से किसी को सोरायसिस की समस्या हो चुकी है तो आपको भी यह होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम के गलत बर्ताव करने के कारण होती है। हमारे शरीर पर हर 30 दिन में पुरानी त्वचा हटकर एक नई त्वचा की परत चढ़ जाती है, लेकिन सोरायसिस होने पर यह समय घटकर बहुत कम हो जाता है। जिन जगहों पर यह बीमारी होती है उन जगहों पर कम समय में ही जल्दी जल्दी स्किन बनना शुरू हो जाती है और लगातार उस जगह की त्वचा मोटी होकर पपड़ी में बदलती रहती है। यह बीमारी बाहरी, अंदरूनी और दिमागी तीनों कारणों से होती है, इसलिए इसे जड़ से खत्म करने के लिए बाहर के साथ साथ अंदर से भी इलाज करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अपनी रोजाना खान पान में कुछ परहेज और सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह की कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी मात्र कुछ लगा लेने से पूरी तरह ठीक हो जाए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे जिनके रोजाना इस्तेमाल से सोरायसिस की समस्या कम समय में ही तेजी से खत्म होती हुई नजर आएगी, और साथ ही हम जानेंगे कुछ बहुत ही आवश्यक सावधानियों के बारे में जो कि सोरायसिस होने पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लगाने वाले नुस्खों की। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी नीम के पत्ते, एलोवेरा जेल, हल्दी, कपूर और मेरी गोल्ड यानी की गेंदे के फूल की। गेंदे का फूल हर तरह के जख्मों और त्वचा के रोगों से लड़ने में बहुत ही कारगर होता है। इसके फायदे इतने अद्भुत है कि इसका नाम दुनिया में मौजूद सबसे असरदार औषधियों की श्रेणी में आता है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि त्वचा में आई किसी भी तरह की फंगस या इन्फेक्शन पर तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डायबिटीज या शुगर के मरीज को जब चोट लग जाती है तो उनके जख्म बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं, लेकिन गेंदे के फूल के इस्तेमाल से डायबिटीज के मरीजों को होने वाले जख्मों को भी तेजी से ठीक किया जा सकता है। इन सारी ही चीजों को मिलाकर हमें एक तेल तैयार करना है जिसके लिए हमें दो बेस ऑयल की जरूरत होगी। सोरायसिस को जल्दी ठीक करने के लिए तिल का तेल और नारियल का तेल, यह दोनों ही बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। तिल का इस्तेमाल लगभग 30-40% आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। अलग अलग बीमारियों में इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और खासकर जख्मों और त्वचा के रोगों में तिल के तेल से चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 100 ml तिल के तेल में 100 ml नारियल का तेल मिलाकर इसे गैस पर कम आंच पर गर्म करें। उसके बाद इसमें 25 ग्राम यानी कि आधा कप नीम के पत्ते, 25 ग्राम ही ताजा एलोवेरा जेल और 50 ग्राम यानी कि एक कप गेंदे के फूल मिलाएं। गेंदे के फूल डालते समय ध्यान रहे कि हमें इसमें केवल इसकी पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है, इसके नीचे वाले हरे हिस्से का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद सारी चीजों को तेल में 5-10 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। जब आप यह सारी चीजें तेल में मिक्स करेंगे तब सामग्री की मात्रा तेल से अधिक लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे पकाते जाएंगे तब यह सारी चीजें तेल में जलने लगेगी और सामग्री में से तेल सेपरेट होने लगेगा। 5-10 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और फिर इस तेल को 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब यह तेल हल्का गर्म रह जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 चुटकी कपूर मिलाएं। कपूर इसमें हमें शुद्ध वाला ही इस्तेमाल करना है जो कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसे छानकर किसी कांच के बर्तन में भरकर रख लें। इस तरह से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। जब भी त्वचा से संबंधित किसी गंभीर बीमारी का इलाज करने की बात आती है तब नीम का इस्तेमाल होता ही है। यह सोरायसिस के अलावा पिंपल, एक्जिमा, दाद और मस्सों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा नारियल का तेल सोरायसिस के कारण आए त्वचा के सूखेपन को दूर करने के साथ साथ जलन और जख्मों को भी तेजी से ठीक करता है। इस तेल को रोजाना रात में कॉटन
की सहायता से केवल उन जगहों पर लगाएं जहां पर आपको यह प्रॉब्लम है। तेल लगाने के बाद उस जगह को कपड़े की सहायता से कवर कर लें और रात भर उसी जगह पर लगा रहने दें। रोजाना इसका इस्तेमाल करते रहने से समय के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि सोरायसिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए इसके साथ कुछ दूसरे नुस्खों का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। इस तैयार तेल का इस्तेमाल बालों में भी किया जा सकता है और साथ ही जिन लोगों को दांत, एक्जिमा और मस्सों की समस्या है वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काउ यूरिन यानी कि गौमूत्र सोरायसिस की बीमारी में चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है। त्वचा से संबंधित गंभीर से गंभीर बीमारियों में गौमूत्र एक वरदान की तरह है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भारत में ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसके इतने अधिक फायदे होने के कारण काफी समय से कई तरह की दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। गौमूत्र का भी इस्तेमाल एक्जिमा, दांत, खुजली, रैशेस और त्वचा में किसी भी तरह की फंगस या सड़न और ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आप ताजा काउ यूरिन अरेंज नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह आप गौमूत्र अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र अर्क आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट पर यह मौजूद है उनकी लिंक के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। लेकिन अगर आप ताजा काउ यूरिन अरेंज कर लेते हैं तो इसका इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि यह देसी गाय का ही होना चाहिए या फिर जो गाय सिर्फ चारा या सब्जियां खाती हो और सेहत में पूरी तरह स्वस्थ हो उसका ही होना चाहिए। शहर में घूमने वाली गायों का मूत्र इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है और अशुद्ध चीजों को खाने की वजह से उनके यूरिन में बैक्टीरिया होने के भी बहुत अधिक चांस होते हैं। अपने नजदीकी दूध बेचने वाले लोगों की मदद से देसी गाय का यूरिन प्राप्त करना आसान हो जाता है। एक बार गाय का ताजा मूत्र मिल जाने पर इसका 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगले नुस्खे को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी हल्दी, गेंदे का फूल और गौमूत्र की। इस नुस्खे को भी तैयार करने के लिए सबसे पहले गेंदे के फूलों को अच्छी तरह धोकर उनकी पत्तियां अलग कर लें। फिर इनकी पत्तियों को हल्दी और गौमूत्र के साथ अच्छी तरह पीसकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इस तैयार पेस्ट को सोरायसिस से अफेक्टेड स्किन पर लेप की तरह लगाएं। अगर आप इसे दिन के समय लगाते हैं तो इसे ऐसे टाइम पर ही लगाएं जब इसके इस्तेमाल के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा देर के लिए लगा कर रखा जा सके। और जब भी आप इसे धोएं तो धोने के बाद इस पर पहले बनाया या घरेलू तेल या फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों यह दोनों ही नुस्खे इतने ज्यादा असरदार है कि लगातार 1 महीने तक इनका इस्तेमाल करने से आपको सोरायसिस की प्रॉब्लम में कमाल के परिणाम प्राप्त होंगे। और साथ ही इन दोनों ही नुस्खों को एक्जिमा, दाद और खुजली की समस्या होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन नुस्खों में बताई गई सभी सामग्री को अरेंज करने की कोशिश करें। सोरायसिस की बीमारी जब गंभीर हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है और साथ ही हमारी हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि लगातार त्वचा सूख कर झड़ते रहने से हमारी बॉडी से प्रोटीन तेजी से कम होने लगता है। और चूंकि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है इसलिए इसको जड़ से खत्म करने के लिए बाहर के अलावा अंदर से भी इसका इलाज करना जरूरी है। इसलिए सोरायसिस की बीमारी पर आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही बहुत असरदार खाए जाने वाले नुस्खे जो कि इस बीमारी की जड़ तक पहुंच कर उसे पूरी तरह खत्म करने में बहुत ज्यादा कारगर है। और अगर आज की वीडियो में बताए गए नुस्खों के साथ साथ उन खाने वाले नुस्खों का भी सेवन किया जाए तो चाहे कितना ही पुराना सोरायसिस क्यों ना हो उसे आप कम समय में ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।